गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर द केरला स्टोरी बंगाल में ना चलने देने को लेकर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिल्म नहीं चलने दे रही है, ये तो सरासर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। फिल्म से लोगों में जागरूकता आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केरला स्टोरी को ना चलने देना सरासर गलत है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की एक बेटी ने फिल्म देखकर धर्म परिवर्तन ना करते हुए अपना हृदय परिवर्तन किया और दोषी फैजान के खिलाफ इंदौर में रिपोर्ट लिखवाकर उसे गिरफ्तार करवाया, जिसके तहत प्रदेश के इस बेटी को न्याय मिला। उसी तरह हम बाकी बेटियों को भी न्याय दिलवाएंगे। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। लव जिहाद से संबंधित शिकायत आने पर पीड़ित की काउंसलिंग की जाएगी, उसे न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ममता दीदी, ये होता है फिल्मों का समाज पर असर। जिस केरला स्टोरी को आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल में नहीं चलने दे रही आप, हमारी बेटी जब इंदौर में गई और उसके बाद में उसका मानस परिवर्तन हुआ और रिपोर्ट डाल के फैजान को गिरफ्तार करवाया और कार्रवाई कराई। जो लोग केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से व्यक्ति की मानसिकता और ब्रेन वॉश जो करते थे उनके बारे में उल्टा ब्रेन वॉश होकर के आज हमारी बेटी इंदौर में न्याय पा रही है और बाकी जगह भी हमारी बेटियां न्याय पाए। गृह मंत्री मिश्रा ने बीबीसी पर दायर 10,000 करोड़ के मानहानि केस को लेकर कहा कि जिस प्रधानमंत्री की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसका ऑटोग्राफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति लेना चाहते हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बदनाम करने वालों पर 10,000 करोड़ की मानहानि भी कम है। ये बहुत आवश्यकता है। इस तरह के लोग जो वातावरण को विषाक्त करते हैं, विषाक्त वातावरण के निर्माण करने में अपनी एक भूमिका निभाते हैं, 10,000 करोड़ क्या, इन पर तो और भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि कमलनाथ, जिनके खुद के हाथ 84 दंगों के खून से सने हुए हैं, वो वीडी शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं। ये चरित्र हत्या की राजनीति ठीक नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, आपने आरोप लगाए हैं तो सिद्ध भी कीजिए, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस के मीडिया विभाग की बैठक को लेकर कहा कि ये लोग पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे, मीडिया को क्या मजबूत करेंगे, इनके सारे के सारे बड़े नेता चरित्र हत्या में लगे हैं। ये जो चरित्र हत्या की राजनीति कमलनाथ जी आप कर रहे हैं ना, आपके खुद के हाथ जब खून से सने हैं दंगों के 84 के, या मिस्टर बंटाधार जी हमारे वो अध्यक्ष पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन पूरा प्रचारक की भांति संगठन के लिए निकला है, देश के लिए निकला है, समर्पण के साथ निकला है, एक भी आरोप हो तो बताएं, सामने लाएं, अन्यथा माफी मांगे। और एक भी आरोप होगा तो वो क्या अध्यक्ष जी, क्या मैं खुद आके आपके सामने जवाब दूंगा। इस तरह से ये जो राजनीति का आप दिशा बिगाड़ रहे हैं ना, चरित्र हत्या की राजनीति की, मैं अच्छी नहीं मानता, आप ही के लिए घातक होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।